नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आप सभी का इन फोकस सिविल एकेडमी ICA में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC द्वारा RO/ARO की एक वैकेंसी निकाली जाती है, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। इसमें जो इस साल की वैकेंसी है, ऐसी एक संभावना है कि ये दिसंबर 2022 तक जो है इसका नोटिफिकेशन आने का संभावना लग रही है। तो आज हम लोग अगर देखिए दिसंबर 2022 तक इसका नोटिफिकेशन आता है, या मान लीजिए जनवरी में भी आता है, वैसे काफ़ी हद तक संभावना है कि इस साल की वैकेंसी है, तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन इस साल आ जाएगा। तो देखिए, अगर दिसंबर में आता है तो ये आप मान के चलिए कि आपका ये एग्ज़ाम जो है करीब करीब आपका पहुँचेगा वही मार्च अप्रैल से पहले नहीं हो पाएगा। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आती है तो मार्च अप्रैल में आपका जाके प्री होगा। प्री के रिजल्ट आने में लगता है एक महीना, यानी मई तक आपका ये आएगा। फिर 3 महीने आप मेंस के मान लीजिए, यानी लगभग एक आप देखिए तो अगस्त सितंबर तक आपका ये अगला मेंस होने की इसकी संभावना है। जो इस साल की आरओ की वैकेंसी है उसका जो मेंस यानी फाइनल सिलेक्शन जिस आधार पे होता है वो आपका नेक्स्ट जो अगस्त सेप्टेम्बर तक, ऐसी उम्मीद है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं एक साल का समय है, इसका क्या परीक्षा का पैटर्न है और क्या एलिजिबिलिटी वगैरह और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, वो सारी वीडियो हम अपनी अलग वीडियोस में बता रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने आए हैं कि इसकी क्या बेहतरीन जो है बुक लिस्ट हो सकती है, क्या इसके सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए कि जो हमारा ये अगर एक साल का हमें ये समय मिल रहा है अगले मेंस में, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक साल का समय पर्याप्त होता है। इसमें आप जो है मतलब अपनी तैयारी को एक होलिस्टिक अप्रोच में यानी समग्रता के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, इतना आपके पास समय है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप मतलब हो सकता है कि आप जो है ये सोचें कि हम पहले प्री निकाल लें, प्री की तैयारी कर लें, तो ठीक है आप प्री की तैयारी कर लीजिए, लेकिन वो जो है अगर आप वाली मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि ये 3 किताबें पढ़ लो तो आपका प्री हो जाएगा, ये 4 किताबें पढ़ लो हो जाएगा, हो सकता है हो भी जाए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो मेंस का पेपर होता है उसका जो पैटर्न है तो उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इस GS का और हिंदी का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी, जैसा कि नेपोलियन ने भी कहा था कि जब आप युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध में आपकी जीत होगी हार होगी ये युद्ध के पहले ही तय हो जाता है। उसी प्रकार से आपका परीक्षा देने के पहले ही आप ये तय कर लेते हैं कि आप उसमें पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो हमारी ये स्ट्रेटजी हमारी रहती है कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप प्री और मेंस में जो जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं उसको तो आप प्री में ही तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ पर जो मेंस का पेपर पैटर्न है वो आपको दूसरे वीडियो में मैंने समझाया भी हुआ है, उसमें क्या है कि आप GS और हिंदी जो है वो ऐसा पोर्शन है जो कि प्री वाला ही मेंस में भी सिलेबस है। तो हम ऐसी तैयारी क्यों ना करें कि हमारा प्री के साथ में मेंस भी तैयार हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ ऑथेंटिक बुक्स को ही पढ़ें और ऐसी बुक्स को पढ़ें जो हमारी दोनों में ही नैया पार लगा दें। ऐसा ना हो कि हम प्री तो किसी तरह मान लीजिए खींच तान के 2-3 बुक्स पढ़ के लूसेंट पढ़ के और पास कर लिए, हो सकता है कर भी लें प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देख करके घटनाचक्र और लूसेंट के द्वारा शायद हम लोग ऐसा कर भी लें, लेकिन फिर वही बात कि प्री करने के बाद क्या होगा। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप इसमें पूरी तरीके से इसमें वास्तव में सफलता लेना चाहते हैं, ना कि केवल प्री पास करने के एक अहम में जीना चाहते हैं, बल्कि वास्तव में अगर सफलता लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी बुक लिस्ट को, अच्छे सोर्सेस को फॉलो करें, ठीक है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप अगर मान लीजिए पहले से ही कोई बुक्स ऐसी पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे जो बुक्स लिखी हैं आप उसको ना पढ़ के आप जो है कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हो और आप उसको कई बार पढ़ चुके हों, तो मेरी आपसे ये सलाह रहेगी कि आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं अगर उस वो एक इन जनरल जो है एक ठीक ठाक बुक भी है तो आप लोग उसी बुक को फॉलो कीजिए। आप लोग फिर इन बुक्स के चक्कर में ना पढ़िए, क्योंकि आप जिससे पढ़ चुके हैं, कई बार रिवाइज कर चुके हैं, उसमें आपकी एक अच्छी कमांड बन गई होगी और कमोबेश सभी बुक्स में एक ही मटेरियल है, थोड़े में किसी में अच्छी तरीके से लिखा है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो थोड़े ही वो डिफरेंस होते हैं। मेन जो मटेरियल होता है वो सब तो एक ही रहता है हर बुक्स में। तो इसलिए ऐसे में आपको ये बुक्स लिस्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको ना समझ में आ रहा हो तो उसमें आप यहाँ से काम ले सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है। ये बुक्स सारी जो ऐसी हैं जो मैंने फॉलो की हैं, मैंने अपने जीवन में इनको पढ़ा है
और इसीलिए मैं आज जब आप लोगों को बुक लिस्ट बता रहा हूँ तो उसके साथ मैं आप लोगों को बुक भी दिखाता चलूँगा, जिससे आप लोगों को उसको ख़रीदने में कोई जो है मतलब परेशानी ना आए। तो अच्छा, मैंने इसको पढ़ा है उससे मुझे इसमें परीक्षा में सफलता भी मिली है। मैंने जब इसको मैं लगभग पिछला जो 3 RO का एग्ज़ाम था उसमें मैंने सभी में प्री तो पास किया ही, और पास ही नहीं बल्कि हमारा प्री में हमेशा ये कोशिश रही है कि जो कट ऑफ है उससे करीब करीब 15 नंबर अधिक ही आए, और 15 नंबर मतलब जहाँ पर कट ऑफ के आसपास जो है एक एक नंबर पर हज़ार हज़ार लड़कों की मारामारी होती है, तो वहाँ पर आप समझिए 15 नंबर जो है ज़्यादा लाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, जिनमें इन्हीं किताबों ने मुझे हेल्प की। और इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा ताकि आप जो आपका कट ऑफ लेवल है उससे आप एटलीस्ट 4-5 नंबर 6 नंबर ऊपर ही रहें, वो आप 10-15 नंबर भी बढ़ा सकते हैं। उसका कारण ये है कि तभी आप मेंस की तैयारी एक बिल्कुल फ्री माइंड से और बिना किसी तनाव के चिंता के उसको आप कर सकेंगे। तो इसलिए हम यही आपसे सलाह देते हैं, और एडिटिंग वाले टीम से हम ये अनुरोध करेंगे कि वो हमारी ऐसी कोई मार्कशीट, वैसे तो अभी पिछले 3 जो पेपर हुए हैं उनमें से केवल एक ही की मार्कशीट आई है, तो उस एक की मार्कशीट मैं आप लोगों को लगा दूंगा, जिससे आप लोगों को यकीन हो जाए कि कट ऑफ से मेरे काफ़ी ऊपर अंक आए थे। तो चलिए आज का हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए, जो सबसे पहला मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री में आपकी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न 3 पोर्शन होते हैं। एंशियंट और मिडिवल में हम देखेंगे तो इसमें आती है एक तो SK पांडे की बुक आती है और दूसरी आती है क्विक बुक, दृष्टि IAS की क्विक बुक। दोनों ही बुक अच्छी हैं। SK पांडे भी जो है काफ़ी फेमस बुक है, आप देख सकते हैं कि ये आपकी ये प्राचीन भारत की बुक ये है SK पांडे की, और मध्यकालीन भारत की ये है। लेकिन देखिए कि मेरा ये सजेशन रहेगा इसमें, वैसे तो ये दोनों ही बुक अच्छी हैं पर इसके अलावा एक ये है क्विक बुक जो दृष्टि IAS की है। आप इसमें देखेंगे तो जो मध्यकालीन भारत की बुक है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, फिर प्राचीन भारत भी जो है वो भी थोड़ा सा इसमें मतलब बोरिंग बना दिया गया है, और थोड़ा सा हमारे ख्याल से कि इसमें डेटा जो है यानी आपके लिए पढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग या मतलब नॉन इंटरेस्टिंग भी हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ना पढ़ के इसको पढ़ें, इससे आपका ना केवल आप जो है PCS के लिए बल्कि IAS का भी जो प्री होता है उसमें भी आप इससे बहुत बेहतरीन स्थिति में होंगे अगर आप इसका जो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री है उससे कवर कर लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले पे आते हैं कि इसमें जो मॉडर्न वाला पोर्शन है, मॉडर्न वाला पोर्शन देखिए स्पेक्ट्रम है, SK पांडे और क्विक बुक है। अब देखिए यहाँ पर जो है मॉडर्न की जो SK पांडे की बुक है वो काफ़ी अच्छी है, मॉडर्न की SK पांडे की बुक अच्छी है, और उसको आप लोग चाहें तो इसका देखिए कवर हट गया है, ये मॉडर्न की SK पांडे की बुक ये अच्छी दी हुई है। इसमें खासतौर पे जो नेशनल मूवमेंट है वो भी अच्छा है। इसके अलावा आप चाहें तो स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बुक जो है ये मतलब ऐसी बुक है जो कि आपको IAS में भी, PCS में भी और RO में भी, साथ ही साथ आपके इसमें प्री में भी, मेंस में भी, सभी में ये समान रूप से उपयोगी होगी। छोटी इस बुक है, पढ़ना भी आसान है, और मतलब फैक्ट्स के साथ में कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं इस बुक में, तो इसको आप कर सकते हैं। ये बुक आप जो है करेंगे तो आपकी UPSC की भी तैयारी होगी, लेकिन SK पांडे अगर आप करेंगे तो आपकी केवल एक PCS की तैयारी होगी। इसके अलावा अगर आप क्विक बुक करते हैं तो वो आपकी UPSC और PCS दोनों की तैयारी होगी, लेकिन वो केवल प्री के लिए होगी। तो आप प्री के लिए जो है मतलब वो आपकी दोनों में तैयारी कर देगी, तो ये PCS और UPSC और प्लस RO तीनों के लिए ये जो है आपके लिए अच्छी है। तो आप, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप क्विक बुक से भी अपना इसमें जो है पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे इस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट भी समझाते हुए और फैक्ट्स भी सारे दिए हुए हैं, तो ये आपको काफ़ी लाभकारी बुक होगी। और ये मेरी मतलब बुक लिस्ट है, मैंने इसको फॉलो करके इसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों के विचार मुझसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे विपिन चंद्रा की भी बुक आती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग आजकल जो है वो ट्रेंड में ये बुक ज़्यादा है। स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी भी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है, और सच कहूँ तो विपिन चंद्रा से मुझे ज़्यादा अच्छी बुक ये वाली लगी, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रश्न आपको मिल जाते हैं। और देखिए जनरली जो है मतलब आप ऐसी बुक फॉलो करें जो कि आपके कई एग्जाम्स में भी वो काम आ सके, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम या क्विक बुक में से आप कोई भी एक ले सकते हैं।
उसके अलावा देखिए ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी में एक पेरियार की बुक आती है, ये है पेरियार की बुक। छोटी सी बुक है पर बहुत अच्छी बुक है। पीसीएस में खास तौर से यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो पेपर रहता है उसमें काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं। प्रॉपर मैप डायग्राम इसके साथ में समझाया गया है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अगेन इसमें आप क्विक बुक से भी पढ़ सकते हैं या फिर महेश बर्णवाल की बुक आती है उससे भी पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं बहरहाल हर इसमें जो है इसी के मैं सोर्स को फॉलो करता हूँ, इसका जो भी मतलब अपडेटेड वर्जन आता है उसको मैं लेता रहता हूँ। तो चलिए इसके बाद देखिए कि इसमें महेश बर्णवाल और क्विक बुक से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कर सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़े कम प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि मैपिंग से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्विक बुक लेते हैं तो उसमें आपको मैपिंग का बहुत अच्छा एक दिया हुआ है चैप्टर्स उसमें, जो प्रादेशिक भूगोल करके, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंस की अगर बात करते हैं, साइंस में देखिए एक तो लूसेंट की आपकी आती है सामान्य विज्ञान करके, वो बुक आप ले सकते हैं। और अगर आपको उतना ज़्यादा ना पढ़ना हो तो आप सिंपल जो लूसेंट वाली बुक आती है जीके की, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें भी जो साइंस का पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो आप ले लें। लेकिन उसके साथ में आप ये देखिए लूसेंट की साइंस लीजिए या फिर जीके लीजिए, ऑब्लिक का मतलब, या फिर आप जीके भी ले लीजिए। लेकिन उसके साथ में प्लस का मतलब यह है कि घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है वो आपको ज़रूर लेना है। ये घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन वाली बुक है ये आपको ज़रूर लेना है, ये साइंस के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि साइंस हो गया, उसके बाद देखिए पॉलिटी पे आते हैं। तो पॉलिटी में देखिए सबको पता है कि एक रामबाण बुक है लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी लक्ष्मीकांत है। पर अगर जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखी है उनके लिए तो ये अच्छी है, पर जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है या फिर उनको लगता है कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा बुक्स या इतना ज़्यादा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो आप लोग जो है, एक पतली सी बुक है ये, इतनी पतली है इसकी, ये है आपकी क्विक बुक। और ये इंडियन जो पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये एक बहुत बेहतरीन बुक है। ये मैं इससे ही ज़्यादा पढ़ता हूँ और लक्ष्मीकांत को भी पढ़ता हूँ, पर मुझे ये बुक ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा देखिए कि पॉलिटी में एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, वो बुक मैंने पढ़ी हुई है पर अभी वो बुक मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसको हटा दिया था, क्योंकि मुझे ये बुक्स जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर लगी। लेकिन परीक्षा वाणी की बुक भी काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो पॉलिटी में अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं तो वो भी एक बेहतरीन बुक है, आप उस पर टिके रह सकते हैं। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में वैसे मैंने जो पढ़ा हुआ है, मैंने तो मृणाल सर के नोट्स से पढ़ा हुआ है, पर उतना यहाँ पे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरओ की परीक्षा में चाहे वो प्री हो या मेंस हो, अगर हम उसके प्रश्नों का एनालिसिस करें तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है, इंडियन इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है, उससे हमें कम प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसमें जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम चाहे इसमें जो है लूसेंट आपकी, अगेन ये जो जीके वाली लूसेंट होती है, इसमें इससे भी आप काम चला सकते हैं। और इसके साथ में घटना चक्र जो आपकी बुक आती है पूर्वावलोकन वाली, इससे आप जो है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें योजनाएँ वगैरह जो अपडेटेड वाली भी हैं वो भी सब होती हैं इसके एक्सप्लेनेशन बॉक्स में, तो इसको आप होलिस्टिक वे में कर लीजिएगा। तो ये आपका बहुत अच्छे से इकोनॉमी भी कवर कर देगा, इसके साथ में आपका बाकी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एक बुक और आती है रमेश सिंह मगर, या फिर लाल एंड लाल, तो वो सब अगेन वो बहुत ज़्यादा है, उतने प्रश्न यहाँ से आते नहीं हैं। मेरे ख्याल से इकोनॉमी से वही 8-9 प्रश्न ही आते हैं लगभग, तो उसमें ज़्यादातर ये करंट अफेयर्स और इससे हो जाते हैं पूर्वावलोकन से, तो उसको करने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर्स की बुक जो है वो कौन सी ली जाए, तो करंट अफेयर्स में दो बुक जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित होती हैं किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए, खासतौर पे अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसके लिए। और वो है एक तो घटना चक्र की दृष्टि करके आती है, ये घटना चक्र की, और दूसरी है घटनासार की बुक। अब ये मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को इसका नाम सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है, क्यों, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी ये एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा इसके कवर पेज से। तो देखिए घटना चक्र की जो दृष्टि वाली बुक है, मंथली मैगजीन है, वो काफ़ी अच्छी आती है।
और उसके साथ में घटना सार की भी बुक, ये भी काफ़ी अच्छी आती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं घटना चक्र बहुत ज़्यादा पढ़ा हूं पिछले कई सालों में, पर घटना सार जो है जब से आने लगी है और जब से ये ज़्यादा लोकप्रिय हुई है अब मैं फ़िलहाल इसी को पढ़ता हूं, क्योंकि एक तो ये कम मटेरियल होता है इसमें और घटना चक्र में थोड़ा सा अनावश्यक लिखा रहता है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं रहती है, तो इसलिए मैं करंट अफेयर्स में ये फॉलो करता हूँ। इसके अलावा देखें तो कुछ एक सब्जेक्ट अभी और बचे हैं, एक तो आपका हिंदी का हो गया। अब हिंदी देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हिंदी वाला जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है कि जीएस आएगी 160 नंबर की, सॉरी जीएस आएगा 140 नंबर का और हिंदी आएगा 60 नंबर का, तो इसमें हिंदी का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होता है। और आप ये भी समझ लीजिए कि जिनका भी इसमें होता है वो ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो हिंदी में है उनके मार्क्स वो बहुत अच्छे होते हैं, वो अमूमन वो 55 के ऊपर ही रहते हैं या फिर 52-53 से तो कम किसी भी हालत में नहीं होते हैं, तो उन्हीं लोगों का ज़्यादातर मेंस में वो लोग अपीयर करते हैं। और देखिए हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में सबसे पहले तो आप एक घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो आती है वो तो ज़रूर ही ले लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं वो मिलेंगे और प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना यहाँ पे रहती है, कई बार इसमें प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप इनको तो सबसे पहले कीजिए घटना चक्र को। उसके बाद देखिए आप आदित्य प्रकाशन की भी बुक आती है, अगर आप घटना चक्र की ना लेना चाहें तो आदित्य प्रकाशन की भी बुक ले सकते हैं, ये घटना चक्र की आपकी बुक ऐसी होती है पूर्वावलोकन करके, तो आप वो ले सकते हैं। और आदित्य प्रकाशन की भी बुक वो अभी मुझे मिल नहीं रही है पर मैंने पढ़ी हुई है, दोनों बुक लगभग एक ही तरीके की हैं, कुछ इसमें खास डिफरेंस नहीं है। और इसमें खास तौर पे जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे मुहावरे वगैरह हैं ये सब तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड पूछ लिए जाते हैं, या शुद्धियाँ अशुद्धियाँ वाला पोर्शन है, वाक्य वर्तनी शुद्धि तो ये सब, तो इसलिए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसलिए आप जो है ज़रूर से इसके प्रीवियस ईयर प्रश्न को तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी एक सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें कोशिश कीजिए कि अपने हिसाब से नोट्स बना लें। इसमें देखिए लोग ऐसा कहते हैं कि हरदेव बाहरी या फिर पीएन पांडे ये सब भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि वो बुक्स थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, उसमें मटेरियल जो है वो मुझे ऐसा कुछ बहुत अपीलिंग नहीं लगा और उसमें जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए एक एस कुमार की भी बुक आती है, ये देखिए मेरे पास तो एस कुमार की अलग से ही बुक एक है, मगर आजकल ये बुक जो है वो घटना चक्र के साथ कंबाइंड होके आती है, तो इसलिए आप इनकी बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब इनकी हिंदी जो है वो काफ़ी अच्छा है। आपको आरओ मेंस की जब आप तैयारी करेंगे तो उसमें आप इनकी बुक से बचे बिना नहीं रह पाएंगे, आपको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देख लें कि इसमें मतलब मैंने अपने नोट्स जो बनाए हुए हैं ये मैं आप लोगों को उसमें अपने टेलीग्राम ग्रुप में आगे शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैं एस कुमार की बुक, आदित्य पब्लिकेशन, घटना चक्र, लूसेंट, हरदेव बाहरी, पीएन पांडे, इन सभी का मिला जुला रूप जो है मैंने एक तैयार किया था, तो वो मैंने अपने नोट्स के रूप में बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो वो भी ले सकते हैं या फिर आप लोग खुद से भी अपना एक तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाए थे, आप लोग भी बना सकते हैं। और इस ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में आप मान लीजिए प्री में तो देखिए 60 नंबर है, इसमें आप 55-56 ला सकते हैं, लेकिन मेंस में जब आप आते हैं तो मेंस में जो है ये 60 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मेंस में ये 60 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जब आता है प्री में तो ये जो है प्री में ये 60 क्वेश्चंस के 60 नंबर रहते हैं, लेकिन मेंस में 30 क्वेश्चंस के 60 मार्क्स रहते हैं, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि अगर आपका एक भी प्रश्न गलत हुआ, आपने टिक किया है और अगर वो एक भी प्रश्न गलत हुआ तो दो नंबर तो आपके वो गए ही गए, साथ में माइनस मार्किंग 1/3 वो भी चला गया, तो आप इससे समझ लीजिए कि आपके 250 से भी ज़्यादा नंबर जो है वहाँ पर नुकसान हो जाता है। और ऐसे में मेंस में जहाँ पे एक एक नंबर का खेल होता है वहाँ पे आप इतना ज़्यादा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये तो आपकी हो गई हिंदी की बात। उसके बाद एक आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन भी बचा रह जाता है, इन्वायरमेंट के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो शंकर आईएएस की बुक है, मगर यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि शंकर आईएएस की बुक जो है वो हिंदी में आप देखेंगे तो ये क्विक बुक की पर्यावरण पारिस्थितिकी काफ़ी फेमस बुक है, हिंदी माध्यम वालों के लिए एक बहुत पॉपुलर बुक है पर्यावरण की,
अभी तक हमारे पास जब तक ये नहीं आई थी क्विक बुक तब तक हमारे पास पर्यावरण का कोई बेहतरीन सोर्स था नहीं हिंदी माध्यम वालों के पास, लेकिन जब से ये बुक आई है लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है। तो चलिए ये इन्वायरमेंट हो गया। इसके अलावा एक बुक मैं और कहूँगा जो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट फॉर 5 years यू हैव टू कम्प्लीट इट, एंड फॉर दैट यू कैन टेक दिस बुक ऑफ घटना चक्र। अगेन द घटना चक्र, देखिए बार बार घटना चक्र का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि घटना चक्र यूपी और खासतौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रकाशन माना जाता है, तो इसलिए वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न फंसते भी हैं चाहे वो प्री हो या मेंस हो, तो इसलिए इसका नाम बार बार आपको सुनने में आ रहा है। इसी प्रकार से दृष्टि के अगर क्विक बुक की बात करें तो ये भी आपको आरओ यारओ के लिए एक बहुत बेहतरीन बुक साबित होती है, तो इसलिए भी इसका नाम आपको कई बार देखने सुनने को मिल रहा है। बहरहाल मेरी तरफ से देखिए, ये आप देखिए 5 सालों का आप इसमें एटलीस्ट कवर कर लीजिएगा। 5 सालों से आपका ये इसमें जो है प्री और मेंस दोनों के प्रश्न हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, वो आपके अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स के लिए लोग ये भी कहते हैं आर्थिकी वाली बुक, घटना चक्र की आर्थिकी बुक आती है वो आपको लेटेस्ट वाला आप उसको लेके उसको भी पढ़ सकते हैं। हालांकि अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई खास उतनी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं इससे पढ़ा हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें जो भी बातें लिखी होती हैं वो जनरली आपकी करंट अफेयर्स में कवर हो ही जाती हैं, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात रही तो उससे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रश्न जो है हर बार तो नहीं देखने को मिलता है, और जितना देखने को मिलता है वो आपका करंट अफेयर्स में भी हो ही जाता है कवर, तो इसलिए आप ये मतलब इसको स्किप कर सकते हैं। एक पोर्शन आपका देखिए जनगणना बचा रह जाता है। जनगणना वाले पोर्शन के लिए मैं ये कहूँगा कि वैसे तो इस आर्थिकी की बुक में भी लास्ट में एकदम जनगणना, आर्थिकी की बुक में लास्ट चैप्टर जो है वो जनगणना का दिया हुआ है, उससे आप कर सकते हैं। केवल 3 पेज में दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के द्वारा। दूसरी बात कि मैं भी आपको कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो ले आके उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझा सकूं, लेकिन एक बात मैं आपको और रिकमेंड करना चाहूंगा कि ये जो घटना चक्र की जो मतलब आपका जो सॉरी जनगणना वाला पोर्शन है, यानी इसमें देखिए कि आजकल इसमें प्रश्नों के पूछे जाने की ट्रेंड कम हो गया है, क्योंकि अब जनगणना हमारी काफ़ी पुरानी हो गई है। 2011 में हुई, उसी को हम लोग इतने सालों तक पूछते रहे। इवन आपका जब 2017 का आरओ हुआ उसमें जनगणना से करीब 12-13 प्रश्न आए थे, लेकिन उसके बाद जो भी पेपर हुए, यानी चाहे वो 2016 आरओ का री एग्ज़ाम प्री का हो उसका मेंस हो, और 2000 जो पिछला वाला था 2021 वाला उसका हो इसका प्री मेंस हो, उन सभी में या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम्स ले लीजिए, जो जितने भी आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जितने भी एग्जाम्स इधर हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में करा रहा है उसमें जनगणना से प्रश्न पूछे जाना का ट्रेंड कम हो गया है। तो इसलिए उसका कारण भी यही है कि काफ़ी वो पुराना हो गया, अब हम लोग को नए जनगणना की रिक्वायरमेंट है, जो कि कोरोना की परिस्थितियों की वजह से थोड़ा सा देरी हो गई, नहीं तो अब तक उसके मतलब आंकड़े आना शुरू हो गए होते। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ें, करंट अफेयर्स देखिए वो ज़्यादातर जो मार्केट में बुक्स आती हैं वो साल भर की होती हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप केवल 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा, क्योंकि 6-7 महीने में ही वो ज़्यादातर प्रश्न पूछ लेते हैं। जितने भी प्रश्न वो करंट अफेयर्स से पूछते हैं वो सारा, एक वैसे वीडियो हमारा इस पर भी आएगा कि कितने जो है प्रीवियस ईयर्स में किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आधार पे आप कौन सी रणनीति बनाएं कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएं, तो वो हमारा वीडियो एक जल्दी ही आएगा एक पूरा स्ट्रेटजी डिस्कशन को लेके। फिलहाल आप ये समझिए कि करंट अफेयर्स आप साल भर के बजाय आप केवल 6-7 महीने का ही कीजिए, उससे आपका ज़्यादातर प्रश्न उसी से मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि एक प्रश्न या 2 प्रश्न ऐसा आ भी जाता है जो 6 महीने से पीछे का हो, यानी साल भर के में का पूछ लेते हो, तो उसमें भी आप देखिए कि उसका कॉस्ट बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्थात आप उसमें पढ़ने में जितना समय देंगे वो आधी करंट अफेयर्स होगी, उसको पढ़ने में जितना समय देंगे उतने में आप अगर जीएस का या हिंदी का कोई पोर्शन कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बाकी देखिए करंट अफेयर्स में अगर मान लीजिए कि एक
रखे हैं हम लोग 20 प्रश्न आते हैं, तो 20 में आपके 17 प्रश्न जो है 17 से 18 प्रश्न वो केवल पिछले 6 महीने से ही होंगे, और उसमें भी अगर हम लोग देखें कि तो उसमें का भी 50-60% जो है वो आपका पिछले 3 महीने का ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक रणनीति होती है जो हम आपको अपने स्ट्रेटजी डिस्कशन वाले वीडियो में भी बताएंगे। फिलहाल जो एक बुक लिस्ट थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी, ये मेरी बुक लिस्ट थी, इससे मुझे सफलता मिली। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी बुक्स को फॉलो करें, अगर आप कोई बेहतरीन बुक्स पहले से कर रहे हैं या फिर आप कोई मतलब कम चली हुई बुक भी अगर पढ़ रहे हैं, उसको आपने कई बार रिवाइज कर लिया है, तो आपको बुक बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका उससे बहुत अच्छे से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा मतलब जो बुक लिस्ट आप लोग काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं, तो RO ARO की बुक लिस्ट जो है वो है, और इसमें मैंने एक ऐसी बुक लिस्ट आप लोगों को बताई है, ऐसे सोर्सेज बताए हैं जिससे आपका न केवल RO ARO में बल्कि PCS और IAS में भी आपका काफ़ी हद तक काम चल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मतलब आप लोग जो है तैयारी जो करते हैं वो सेपरेट करते हैं, मतलब आप जो है अभी अच्छा इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लें फिर उस एग्ज़ाम के लिए फिर उस एग्ज़ाम के लिए, ऐसा तो नहीं करते हैं। आप एक समग्र तैयारी लेके चलिए, और जब जो एग्ज़ाम आएगा उसमें अगर कुछ स्पेशल अगर पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हिंदी पूछा जा रहा है, तो GS आप लोग साथ में लेके साल भर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में देखें कि अच्छा इसमें हिंदी का रोल है, तो 2 महीने पहले से आप हिंदी अच्छे से पढ़ने लगे। तो एक जो आपकी नॉर्मल तैयारी होती है वो तो एक फ़्लो में चलने दीजिए, उसके लिए हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो कीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बुक लिस्ट पसंद आई होगी, और RO ARO की आगे की तैयारी के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और हमारी जो वीडियोस हैं टीचिंग वीडियोस जो भी सब्जेक्ट की, वो सभी RO ARO एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ऐसा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रह जाए, और साथ में कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों के दिमाग में उस पूरे चीज़ों की अवधारणात्मक समझ भी विकसित हो सके। तो चलिए, ये मेरी तरफ से था, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।